हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल EN360। तो दोस्तों, अगर मीठे की बात हो तो सबसे पहले शुगर का ही नाम आता है। इसे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के नामों से जाना जाता है। जैसे कुछ लोग शक्कर, कुछ शक्कर तो कुछ चीनी कहते हैं। तो आपको बता दें कि चीनी यानी कि व्हाइट शुगर का उपयोग इंडियन फूड में खूब किया जाता है। शुगर का ज्यादा सेवन किसी भी तरह से सही नहीं होता, इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट भी चीनी का कम सेवन करने की सलाह देते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि शुगर खाने के कुछ साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि वजन बढ़ना, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ना, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा, इम्यूनिटी कमजोर होना और स्ट्रेस लेवल बढ़ाना। आपको बता दें कि इनडायरेक्ट इनटेक भी शरीर में शुगर लेवल बढ़ा सकता है, इसलिए आपको शुगर इनटेक कम करने में मदद करने वाले फूड का सेवन करना चाहिए। कुछ लोग शुगर इनटेक को कम करने के आसान तरीके भी अपनाते हैं, जिसमें व्हाइट शुगर की जगह ब्राउन शुगर या शहद का प्रयोग सबसे कॉमन है। तो आपको बता दूं कि ब्राउन शुगर भी नॉर्मल शुगर का ही रूप है, लेकिन अधिकतर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर व्हाइट शुगर और ब्राउन शुगर में से हेल्दी कौन सी है, किस शुगर का सेवन करना चाहिए। तो अगर आप भी इसी तरह की कंफ्यूजन में हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्राउन शुगर क्या है, कैसे बनती है, न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, क्या फायदे और क्या नुकसान है। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर व्हाइट और ब्राउन शुगर में से कौन सी शुगर बेहतर है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्राउन शुगर आखिर क्या है। ब्राउन शुगर भी सफेद शुगर का ही रूप है। जब सफेद चीनी बनाते हैं तो उस समय लिक्विड में गुड़ मिलाया जाता है। गुड़ ब्राउन शुगर सिरप है जो इसे भूरा रंग देता है। रिफाइंड ब्राउन शुगर का सफेद चीनी की तुलना में कम प्रोसेसिंग होती है। इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। इसमें सफेद चीनी की तुलना में कैलोरी भी कम होती है। तो आप देख लेते हैं कि आखिर ब्राउन शुगर बनती कैसे है। ब्राउन शुगर भी शुगर केन से ही बनाई जाती है। ब्राउन शुगर मूल रूप से अनप्रोसेस्ड चीनी है, जिसमें मोलासेस होता है, जिसे शीरा भी कहते हैं। इससे ही इसका रंग भूरा होता है, यानी कि ब्राउन होता है। अनरिफाइंड ब्राउन शुगर में मोलासेस मिला होता है। रिफाइंड शुगर को शीरा अलग करके तैयार किया जाता है। मार्केट में ब्राउन शुगर कई तरह की होती है, जैसे अनरिफाइंड ब्राउन शुगर। ये ब्राउन शुगर का सबसे प्राकृतिक रूप है, जो आयरन और मैग्नीशियम सहित कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इस शुगर के क्रिस्टल सफेद चीनी के क्रिस्टल से बड़े होते हैं और ये हल्के गोल्डन रंग के होते हैं। ये शहद की तरह ही केमिकल से मुक्त होती है। इसी तरह की एक ब्राउन शुगर होती है डेमेरारा ब्राउन शुगर। ये हल्के भूरे रंग की चीनी है और इसका प्रयोग आमतौर पर बेकिंग में किया जाता है। इस चीनी को प्रोसेस करके बनाया जाता है और इसमें कैरेमल जैसा स्वाद होता है। अब बात करें अगर डार्क ब्राउन शुगर की, तो डार्क ब्राउन शुगर का ये वेरिएंट सबसे मीठा होता है। डिशेस को अधिक मीठा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ब्राउन शुगर को तैयार करने में कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती, इस कारण सफेद चीनी के मुकाबले इसका सेवन ज्यादा अच्छा बताया गया है। ब्राउन शुगर में मोलासेस होता है, जिसका सेवन शरीर को गर्मी देता है, इस कारण सर्दियों में इसका सेवन करना अच्छा रहता है। तो अब जान लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि ब्राउन शुगर और व्हाइट शुगर में कौन से शुगर सबसे हेल्दी है। तो ब्राउन और व्हाइट शुगर दो सबसे आम किस्म हैं जो अधिकतर लोग यूज करते हैं। भले ही ये अलग अलग हैं, लेकिन आम धारणा के विपरीत ये न्यूट्रिशन में भी काफी हद तक समान होते हैं। सफेद चीनी की तुलना में ब्राउन शुगर में एक्स्ट्रा खनिज यानी एक्स्ट्रा मिनरल्स होते हैं, लेकिन वो इतनी कम मात्रा में होते हैं कि उनका कोई वास्तविक फायदा नहीं होता। इसलिए आप किसी भी चीनी का प्रयोग कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि रोजाना किसी भी फॉर्म में चीनी का कम से कम सेवन करें। वहीं जैसा कि आप सभी को पता है कि चीनी के सेवन से कई नुकसान होते हैं, इसलिए जितना हो सके कम से कम चीनी का सेवन करें, चाहे फिर वो व्हाइट हो या ब्राउन। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। EN360 की रिपोर्ट के साथ मैं हूं कनिष्का शर्मा।